अच्छी अच्छी बातें क्वेश्चन नंबर वन बेसिक से मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को करने के लिए आसान ट्रिक से ये है कि आपको एक एक लैंग्वेज पर कमांड हो, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए आपको खुद एहसास होगा कि इस पर न्यूमेरिकल जो आएंगे, लिखें 5 मोल्स ऑफ H2 एंड 5 मोल्स ऑफ I2। केमिकल बॉन्ड रिवाइज कर रहे हैं सब लोग? यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, जी सर, हाँ वेरी गुड। इन 10 लीटर ऑफ क्लोज्ड कंटेनर, द वैल्यू ऑफ केसी इज 225। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। H2 एंड I2 जो है ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं पहला क्वेश्चन मैं खुद स्टार्ट करूंगा। सारे लोग ध्यान दें कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने आपको कहा कि इसको खत्म करने के बाद आयनिक तो चलता रहेगा, लेकिन इस चैप्टर की 2-3 घंटा लगातार एक मैराथन क्लासेस होंगी, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो क्लास में भी होगी, उसके अलावा भी होगी। समझ रहे हैं ना आप? बस आप तैयार रहेंगे, तैयार। हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर सबका डिस्कशन होगा, रिवीजन भी एक अलग है, रिवीजन तो होगा ही, उसके अलावा एक पूरी क्लासेस सिर्फ उसके न्यूमेरिकल। तो आप गौर से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करें, यही प्रैक्टिस का तरीका है कि आपको सारी बातें दिमाग में रहें। देखिए 5 मोल्स है 0-0 है, 5 - 6 5 - 6 2x। पहला काम हम दो स्टेप लिखेंगे। अब केसी का मतलब तो 2x/10 का होल स्क्वायर, 5 - x/10, 5 - x/10। आपको केसी कितना दिया है न्यूमेरिकल में? 225। इक्विलिब्रियम पे जो टी इज इक्वल टू 0 पर, ये टी इक्विलिब्रियम पर है, तो हमें यही एक्स निकालना है। हमें एस टू का मोल्स 5 - x है इक्विलिब्रियम पर, तो एक्स हमें मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग एक्स निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप? 2x/5 - x का होल स्क्वायर, यही तो होगा? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर, 225, सॉरी, हाँ 2x की वैल्यू निकालिए सब लोग। निकलिए सारे लोग, कितना आ गया भाई? 4.x = 25/17 आ गया, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है एट इक्विलिब्रियम पर? 5 - x, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
10/17 आएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू भी यही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई भी यही होगा, 2x था तो 2 × 75/17 150/17. पिछला स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बताएं. नहीं सर. क्लियर? यस सर. Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आप स्टेप लीजिए एकदम उसी तरह, पहले आप कोशिश कीजिए.
आई आंसर तो एक मिनट बस हेलो एवरीवन नहीं हुआ इतना लेट से भी नहीं हुआ सर 2/3 2/3 ओके चेक कर लेते हैं पहला काम हम हमेशा क्या करेंगे ओके ये 10 मोल है ये 5 मोल है ये 0 है टी सेकंड टू टी इक्विलिब्रियम पर 10 माइनस एक्स 10 मोल एच टू है सर 10 माइनस 6 अच्छा वो 5 है उल्टा यहाँ 5 माइनस 6 यही होगा ना 10 माइनस 3x और ये 2x पहले सारे लोग मिलके बोलो ये दो स्टेप सबको लिखने आया यस सर ये दो स्टेप सबसे पहले आना चाहिए अब देखो स्टेटमेंट को प्रोवाइड इक्विलिब्रियम 6 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म तो 2x is equal to 6 x is equal to 3 हमें इस स्टेटमेंट की मदद से अब ये इक्विलिब्रियम पर कितना बचा 2 ये इक्विलिब्रियम पर कितना बचा 1 ये तो 6 है बस kc निकाल लीजिए nh3 का होल स्क्वायर मतलब 6 by 10 का होल स्क्वायर 2 by 10 into 1 by 10 का होल क्यूब इसको 36 by 100 10 to the power 4 by 2 यही तो होगा बोलिए हाँ या ना यस सर अब जो है कि ये दो जीरो कैंसिल हो गया 1800 आया आप सबका yes, अरे बोलिए 1800 आया Yes, sir. Yes. Sir. हाँ. टू और 10 मोल ऑफ H2 दे रखा है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्या सर क्योंकि 10 मोल्स ऑफ H2 सॉरी हाँ 10 मोल्स ऑफ H2 ये सर तो वो लिमिटिंग रिएजेंट अरे तुम क्या क्या लिमिटिंग रिएजेंट रिवर्सिबल में लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तुम क्या क्या बोलते रहते हो यहाँ यहाँ 6 मोल है वो यहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की बात कैसे ले आए तुम एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है इक्विलिब्रियम में एक तो लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएजेंट का ऐसे भी कंसेप्ट नहीं होता पहली बात इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कब निकाला जाता है जब हमें प्रोडक्ट का अमाउंट कहेगा निकालने के लिए तो प्रोडक्ट खुद कह रहा है 6 मोल है अरे ओके ओके सर यार कहाँ का बात कहाँ से लिया तो हो हाँ सर मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि 5 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विल 15 मोल ऑफ 3H क्योंकि 15 मोल ऑफ H2 क्या 15 मोल 5 मोल H2 15 सर 1:3 है ना क्योंकि रिएक्टिंग में हाँ 1:3 है यस इनिशियल मोल है ना ये तो इनिशियल मोल कुछ भी ले लिया ये लास्ट में बचेगा क्या है इनिशियल मोल आप जितना लीजिए 10 लीजिए 20 लीजिए 30 लीजिए इनिशियल मोल से क्या मतलब होता है चलिए सबको समझ में आ गया आगे बढ़े जी सर समझ में आ गया हाँ
तो PCl5 डिसोसिएट किसमें होता है? PCl3 और Cl2. PCl Cl2 टू मोल है, 0 0. पहले हमेशा आप दो स्टेप लिखें, 2 - x x x. पहले बताइए यहाँ तक लिखा आपने? यस सर. अब yes, हम x कितना डिसोसिएट हुआ? 2 का 40%. क्यों? देखो अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल होता है, तो x इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा. अल्फा 40/100 दिया होगा, जल्दी बोलो हां या ना. यस सर. यस सर. यस सर. 0.8 ये साइड में आप निकाल लीजिए. अब 2 - 0.8 1.2 0.8 0.8. अब आपको केसी है PCM3 की कंसंट्रेशन, और यही बेसिक पर कमांड होगा ना, तब आपको जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब होंगे. ओके, इसलिए सबसे बेसिक इसलिए क्वेश्चन आपको कराया जाता है, बेसिक ही पहले करना चाहिए. अब आपके पास क्या है भाई? 1.2, तो 0.64 by 1.2. अब सॉल्व तो कर लेंगे ना. अरे बोलिए ना. यस सर. यस सर. हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए. चलिए, सबको समझ में आ रहा है? ये मोहसिन सबा मदीहा जी सर को आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन. यस सर. सर इसके बाद प्लीज एक बार वो N2 वाली स्लाइड दिखा देना. अच्छा अच्छा सारे लोग लिख लिया ये? यस सर. हो गया हर्षित? यस सर. डन. थैंक यू सर. लिख लिया. अरे मोहसिन लिख लिए? मोहसिन लिख रहे हैं. चलिए
Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. अरे वो क्वेश्चन लिख लिया था. Yes, sir. Yes, sir. बलवाई ये था ना सर. क्वेश्चन लिख लिया था ना. Yes, sir. जी सर. 2a plus b जो था वो 2c plus d था. किसका रेशियो किसके रेशियो के फॉर्म में लिया गया था? क्या था? 2:1 ab का. ab का. हाँ, ab का 2:1 था. तो ये 2 है, ये 1 है, 0 0. 2 minus 2x, 1 minus x, 2x of x. ये सब का सही है पहला स्टेप. Yes. अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. सी 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3. ये इक्विलिब्रियम पर हो गया 2 माइनस 2 बाय 3 कितना हो जाएगा? 4/3. 1 माइनस 1/3 2/3. ये 2/3, ये 1/3. यही होगा कि नहीं, जल्दी बताइए. यस सर. बस केसी की वैल्यू केसी ने करना था ना आपको. इसको सॉल्व कर लीजिए. बताइए आया सब कुछ समझ में? हेलो एवरीवन. आया सर. यस सर. तो सॉल्व करके कितना आ रहा है मेघना? आपका आंसर मेघना, आपका आंसर कितना आ रहा है? ये मेघना बोल क्यों नहीं रही हैं? और किसी का आंसर आया? यस सर. कितना आया? 1/4. अब देखो यार तुम लोग तो C का है उसका 2/3 का होल स्क्वायर, 1/3, 4/3 का होल स्क्वायर एंड 2/3. 2/3, 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा ना. हेलो एवरीवन, 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा. यस सर. यस सर. वॉल्यूम इसलिए नहीं है कि वॉल्यूम को वॉल्यूम का कोफिशिएंट सेम है. यहाँ 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम इसलिए नहीं दिया आपको. तो अब यहाँ 3/3 कैंसिल हो गया, 4/ कितना हो गया? 16 to the 32, 1/8. Did you understand? Yes, sir. बताइए सबको आया समझ में? Yes, sir. अच्छा अब मैं जो बातें कर रहा हूं इसमें मैं 2 क्लास और मैक्सिमम लूंगा, वही प्रैक्टिस ही के लिए. उसके बाद आयनिक, आप पूरी थ्योरी को मजबूत कर लीजिए. थ्योरी तो बहुत ही कम है, फिर भी मैं 2 कल और परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद आयनिक के इक्विलिब्रियम शुरू होगा. द वैल्यू ऑफ केसी इज 27 एट इक्विलिब्रियम. थ्री मोल्स ऑफ बी इज फॉर्म्ड. Calculate the initial mole of reactant A.
बी इनिशियल मोल आपको क्या है निकालना था, इनिशियल मोल ए है आपके पास 0 0 0 ए माइनस 3x x x x है। अब बताइए इक्विलिब्रियम पर बी कह रहा है 3, तो ये x इज इक्वल टू 3, जैसे ये 3 हुआ तो ये भी 3 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 9, अब kc इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल क्यूब a माइनस 9 का होल क्यूब। अरे बोलो सबको समझ में आया? हेलो यस सर। a माइनस 9 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 10, इनिशियल मोल आपका कौन सा ऑप्शन है 10। अरे मोहसिन को आ रहा है समझ में? जी सर। कुछ है नहीं, देखिए ये मैं मजबूत करा दिया आपको कि दो स्टेप कैसे लेना होता है, स्टेटमेंट की मीनिंग को समझिए अपने आप होगा। अभी हम केपी की बात किया ही नहीं, अभी केसी ही की बात मैं कर रहा हूँ, केपी के क्वेश्चन कैसे होंगे वो सब सिखाया जाएगा आपको स्टेप वाइज। अब आइए हाँ बताओ ना, लिख लिया यार सब लोग? यस सर।
हो गया यस सर किसी का आंसर आया बताइए सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी ये SO2 है डी सर ओके पहले स्टेप ये लिया सारे लोग यस सर देखिए प्रोडक्ट का मोल जीरो होता है लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट को देखें क्या लिखा हुआ है पहले से ही कंटेनर में तमाम मोल्स हैं वन मोल ऑफ ईच तो इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे अरे बोले हैं सारे लोग को समझ में आया ये स्टेटमेंट यस सर हाँ ये सिचुएशन ऐसी है जैसे कि कंटेनर में पहले से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट मौजूद है ऐसे प्रोडक्ट का इनिशियल मोल कितना होता है जीरो दुनिया क्वेश्चन खुद कह रहा है खुद कहने का मतलब ये हुआ कि भाई पहले से मौजूद है अब बात केसी सेकंड टू एसओ थ्री की वॉल्यूम तो सबका वन वन है तो यही आया होगा तो 16 इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x 1 माइनस x इज इक्वल टू 4 तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x 5x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 0.6 तो NO2 का पूछा किसका पूछा है NO का NO का तो 1 प्लस 1 1 प्लस x का मतलब हुआ कि NO की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी इक्विलिब्रियम पर NO की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 प्लस 0.6 बाय 1 1.6 डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन सबको समझ में आया हां आना जल्दी बताएं यस yes, सर कोई बोल ही नहीं रहे हैं आया समझ में मोहसिन सबा यस सर अब आइए
हेलो ये पार्क वाला सर आपका हां हां बताइए आ जाइए सर ये अल मेहरबान चिकन पॉइंट ये बिल्डिंग आके नहीं 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 D73 है ना ये मार्केट पास से होते हां हां उसके बाद ये राइट लेना है हां राइट लेना है हाँ सीधे आइएगा तो फिर एक टर्निंग पॉइंट होगा एक राशन की दुकान होगा उसी के सामने वाली गली में आइए नहीं 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 आप पहले वहां से सीधे आइए फिर आने के बाद आपको लेफ्ट टर्न के ही आएगा सीधे हाँ 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 चिकन और हाँ चिकन की दुकान होगी ब्लैक कलर का गेट होगा उसी में आ जाइए सेकंड फ्लोर पे है ब्लैक कलर उसमें बाइक वगैरह लगी होगी जी जी हाँ सेकंड फ्लोर पर आइए मैं गेट पर हूँ आइए थैंक यू हाँ स्टूडेंट इसको बनाइए जब तक ओके स्टूडेंट अरे बोलो यस सर बताइए स्टूडेंट लोग व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट ए सर ए ए है अच्छा आपके माइंड में नहीं आया कि सर लिक्विड का हम नहीं लेते हैं कंसंट्रेशन ये बात मालूम है आपको यस सर यहाँ क्यों लिया गया भाई क्यों आपने लिया उसकी वजह ये याद रखिए मैं ये एक एग्जांपल आप देखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है लास्ट एक्सरसाइज में देखिए गौर से सुनिए अगर तमाम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिक्विड फेज में हो इसको कहते हैं होमोजीनियस तो वहां कंसंट्रेशन नेगलेक्ट नहीं होगी लिक्विड की कंसंट्रेशन तभी नेगलेक्ट होती है जब कोई भी एक स्पीशीज सॉलिड या एक्वस वगैरह आ जाए तो फिर यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा ए समझ में बात आ रही है कि नहीं अरे बोले हाँ या ना यस सर यस सर तो यहाँ आपका नेगलेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर इफ मैं लिख भी दूंगा इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज ईच आपको क्या है सर एक ना हो तो अरे तो क्या हम कह रहे हैं ईच होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है एवरी सिस्टम तब यहाँ पर डेंसिटी चेंज कर सकती है क्योंकि सब होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा समझ में बात आ रही है कि नहीं हेलो एवरीवन यस सर हाँ लेकिन सॉलिड चाहे कोई भी हो सॉलिड चाहे तमाम या सॉलिड का कभी कंसंट्रेशन हमेशा कंसंट्रेशन उसका नेगलेक्ट होगा ये याद रखिए चाहे वो तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्यों ना हो सॉलिड में हो ये रूल सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड हैं सुना सॉलिड का हमेशा नेगलेक्ट होगा सुना एवरीवन यस सर सॉलिड का हमेशा नेगलेक्ट होगा सॉलिड का क्योंकि और ऐसे भी आप लोग सब लोग पास आउट हैं
जब रिएक्शन होता है ना वो गैसियस फेज में फास्ट होता है, उसके बाद लिक्विड सॉलिड फेज में रिएक्शन काफी स्लो रहता है, समझा? इसलिए याद रखेंगे कि हाँ, इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये लाइन सुन लो, इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज देन इट्स कंसंट्रेशन is not ignored, not ignored in the expression of Kc. Kp तो लिख ही नहीं सकते, Kp तो गैस के ही लिए वैलिड होता है, in the expression of Kc. Did you understand everyone? Yes sir. Yes sir. Yes. हाँ, अगर इसमें कोई एक एक्वस या गैस आ जाता तो फिर हम नेग्लेक्ट कर देते. तो ये लिख लिया, अब हम आगे बढ़े एवरीवन. यस सर. एक मिनट. अच्छा एक मिनट, ओके लिखिए. अगर ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फेज में हो तो इस तरह की बातें होंगी. चलिए क्वेश्चन तो और हम कराएंगे, अब हम दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं. ओके एवरीवन. यस यस सर. यस सर. हाँ, कुछ केपी के दो तीन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर केपी को के दूसरे फॉर्म पर भी आएंगे. अभी आप बेसिक क्वेश्चंस सबको, वन मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल ये सब आपने, तो अब मैं वन मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल T21 में है, वन थर्ड ऑफ द एसिड चेंजेस इन टू द ईस्टर, वन एसिड जो है चेंज किया. अब ध्यान दें, पहला स्टेप है कि आप वन माइनस एक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. तो यहां पर एक्स जो है ना वो 1/3 है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. देखो one third चेंज हो रहा है, यानी डिसोसिएट हो रहा है. ये क्या बच जाएगा? तो यही सब मीनिंग समझना. आपको ये मीनिंग नहीं समझेगा वो अपना नुकसान करेगा. 2/3, 2/3, 1/3, 1/3. तो Kc is equal to 1/3, 1/3. वॉल्यूम ले ना ले, बतवा बराबर वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा. ऊपर भी दो पावर, नीचे भी दो पावर. अरे बोलो ना, हाँ या ना? हेलो. यस. तो कितना आंसर आया? 1/4 आया. यस सर. तो देखिए यही सब इसमें है ना, यही सब मीनिंग समझना. 1/3 ऑफ द एसिड चेंज, ये एक्स है. जब भी ना बने पहले दो स्टेप लिख लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़िए. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. हाँ, तो अब आइए केपी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी बातें फिर बताई जाएंगी. अभी हम हेट्रोजेनियस का भी करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस, बहुत तरह के केसेस भी पढ़ेंगे. पहले हम कुछ केपी के एक दो बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं. चलिए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर. नो सर. नो सर. चलिए एक क्वेश्चन, इनसे दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा है, केपी पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं. तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत. उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं. देखिए, 2HI गैस है आपके पास, H2 गैस है, I2 गैस है. The sample of HI container
ले लीजिए, मैं खुद अब केपी कह रहा है। केपी निकालने के दो तरीके हैं, केपी के भी आपको कराया जाएगा। लिख लिया सारे लोग तो बताइए। जी सर। तो देखो तुम जानते हो ये 2HI है, S2 प्लस I2 है, तो हम पार्शियल प्रेशर को मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ना N by V है, कंसंट्रेशन है, तो जो मोल है उसी तरह आप दो स्टेप लिखें, तो इनिशियल प्रेशर 0.200, उसी तरह 0.2 माइनस 2x ले लो, 2p ले लो, कुछ भी ले लो, pp। आप बताओ एट इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है। अरे बोलो ना स्टेटमेंट को पढ़ो। यस सर। पी की वैल्यू निकाल लो। 0.04 है। हाँ 0.04 दिया हुआ है। ठीक है। हाँ तो माइनस 0.04 2p 0.16 सेकंड टू 0.8 हो जाएगा, जल्दी बताएं। अरे बोले, अरे यार कुछ तो बोल दे सारे लोग। yes, तो बस केपी सेकंड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 जिस तरह मोल के लिए उसी को प्रेशर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रेशर के फॉर्म में गिवेन हो। 0.8 बाय 0.04 का होल स्क्वायर, तो 64 बाय 16 4। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है? 2.8 ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया, यहाँ प्रेशर को भी इसी तरह ले सकते हैं दो स्टेप में। सुना सारे लोग, एवरीवन? सर एक बार बता दीजिए। एक बार बता दें, ठीक है दोबारा बता देते हैं। देखिए 2HI है आपके पास, S2 है, I2 है, ठीक है। हम लोग इनिशियल मोल लेते थे, अब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर के फॉर्म में ले, किसके फॉर्म में ले? प्रेशर। तो क्वेश्चन में देखिए का 0.2 दिया हुआ है, तो ये 0.0 हो जाएगा, है ना। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? तो बस 0.2 जिस तरह सॉल्व करते हैं, 2x या 2p, x भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, p और p। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्वेश्चन में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ HI आपको दिया हुआ है 0.04, ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0.2 माइनस 2p। अरे बोलिए ना, तो बस यस सर। हाँ तो यही आपने निकाल लिया, तो p इज इक्वल टू 0.08 हो गया। ये आपको इक्विलिब्रियम पर सॉल्व, ये तो 0.04 ही रहेगा, 0.08 kp second to partial pressure of S2 partial pressure of I2 by partial pressure of HI का होल स्क्वायर। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया? अभी भी दोबारा मैंने समझा दिया। हेलो एवरीवन। यस सर आया। यस सर। दूसरा मोल को फॉर्म में लेते थे उसे प्रेशर के फॉर्म में, लेकिन दिमाग लगा ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में तभी लेंगे जब हमें इनिशियल पार्शियल प्रेशर भी मालूम हो और इक्विलिब्रियम की किसी की भी एक इंफॉर्मेशन मालूम हो। केपी निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद हम दूसरा तरीका भी सिखाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? कुछ बताइए। अरे यस सर। ये सबा नाम के स्टूडेंट फौजिया और मोहसिन, ये तीनों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Thank you. Oh,
मोहसिन नाम के स्टूडेंट ने लिखा जी सर लिख लिया हेलो एवरीवन यस सर कितना आंसर आया 4.5 देखिए इनका 4.5 आया और किसी का आया सर हाँ वन आया देखिए अरे ये अनस चौधरी नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में यस सर मेरा ही बना है सर वो मैंने 5 ATM ले लिया गलती से अरे ये अनस चौधरी कौन है आवाज नहीं सुन रहा है क्या ये अमन अनीस तुमको कुछ आ रहा है ये सर आ रहा है तो इनिशियल प्रेशर 6 है 0 0 6 माइनस पी 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 पहला का क्वेश्चन कह रहा है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर सब इक्विलिब्रियम का प्रेशर सबको ऐड कर दो स्टेटमेंट को देखो क्या कह रहा है ये दिया हुआ 8 6 प्लस पी बताओ पी आपने निकाल लिया 2 बताओ हाँ या ना यस सर यस सर ये कितना बचेगा 4 ये कितना है 2 ये कितना तो आप केपी निकाल लो पार्शियल 4 × 2 × 4 अरे बोलो हाँ या ना हेलो एवरीवन यस सर यस सर यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप आगे बढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए केपी के इस पार्शियल प्रेशर वाले पर आपको एक क्वेश्चन ये है कि 1000 केल्विन अरे मोहसिन तुम लिख लिए थे पिछला स्लाइड जी सर
1/2 आंसर आ रहा है। देखिए सारे लोग, पहले तो इक्वेशन खुद से आना चाहिए। CO2 है, ग्रेफाइट का मतलब सी सॉलिड, जब ऐड किया गया तो 2CO गैस बना। ठीक है, तो 0.5, अच्छा इसको तो सॉलिड को तो लेंगे ही नहीं, 0.5 माइनस पी 2P। पहले सारे लोग बताइए यहां तक सबका आंसर सही है? Yes, अरे मोहसिन तुम्हारा मोहसिन तुम्हारा ये दो स्टेप सही है, तुम लिखे हो? हाँ या ना जल्दी बताओ। जी सर। अल्लाह देख रहा है, झूठ मत बोलना भाई। टोटल प्रेशर 0.8, 0.5 माइनस पी प्लस 2P, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर को ऐड कर देंगे। देखिए अरे बोलिए ना, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम पर कितना बचा? 0.2, और ये कितना हो गया? 0.6, ये ना होगा? यस सर। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू। पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ कितना? 0.6 का होल स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू कितना? 0.2। बोलिए 1.8 आया है क्या? यस सर आ गया। अच्छा इसी के नीचे लिख लीजिए, ये मैं ऐसे तो जानते ही होंगे। यूनिट जो होता है ना केपी की, अच्छा अच्छा बहुत सारे में यूनिट के साथ भी आंसर दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिट ऑफ केपी जो होता है और कुछ नहीं, प्रेशर की यूनिट एटीएम है, उस पर पावर डेल्टा एनजी लिख दो। सुना? Yes. जैसे यहाँ पर आप 1.8 एटीएम लिख सकते हो, ऐसे भी समझो दो है, नीचे पावर एक है। एटीएम कैंसिल, एटीएम ही बचेगा। डेल्टा एनजी क्या है? वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। यूनिट ऑफ केसी, किसी में यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पावर कैंसिल हो जाएगा कैंसिल केसी, इसमें क्या करना है? मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, इसमें गैस भी और एक्वस भी ले सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड का नहीं ले सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब ये कहने का मतलब यूनिट होती भी है या नहीं होती। अब मैं केपी के दूसरे अप्रोच को आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये पहला अप्रोच केपी का समझ गए आप लोग सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। अच्छा समझ गए। चलिए देखिए, अब जो केपी का दूसरा अप्रोच है ना वो ये है
टॉपिक डाली एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर सम रिएक्शन। देखिए मैं सारे को प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रूफ करने का मकसद यह है कि अगर आपको नहीं आता हो तो वही स्टेप क्वेश्चन करने का मेथड भी होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। और अगर तीन इक्वेशन का केपी डायरेक्टली याद हो गया, कोई भी बुक बनाइए, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए अब तक जो आए हैं, सारा क्वेश्चन इसी तीन इक्वेशन के आगे पीछे रहता है। हमारा मशवरा रहेगा कि आप पांच को याद कर लें, लेकिन तीन खुद ब खुद याद हो जाएगा, वो हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में 10 से 15 सेकंड लगेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं होगा तो फिर आपको स्टेप वाइज करना होगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला। तो केपी निकालने का जो दूसरा तरीका अब तक था कि पार्शियल प्रेशर आपको इनिशियल दिया हुआ था, किसी एक के इंफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम पर दे दे तो आप केपी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल प्रेशर नहीं देगा, आपको टोटल प्रेशर दे देगा। केपी में हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, कल के लेक्चर में आया था ना इनर्ट गैस ऐड करने पर। अरे बोलो यार। yes, sir. अब यहाँ टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो आपको गैस से वही फॉर्मूला लगेगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। इफ द न्यूमेरिकल में पार्शियल प्रेशर गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली केपी में रख के निकाल लें, लेकिन पार्शियल प्रेशर दिया ही नहीं हुआ है। आपको दे देगा एट 50 डिग्री एंड 180 एम प्रेशर N2O4 इज 50% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी। तो हम कैसे करेंगे, इस गौर से सुने साइंटिस्ट। पहला एग्जांपल है इसमें जो सबसे मशहूर है वो है 2HI, ये H2 प्लस I2। हम अब पार्शियल प्रेशर नहीं है, हम लिख कर रहे हैं इनिशियल मोल, टोटल प्रेशर दिया है, इनिशियल मोल A 0 0, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। मैं पहले इक्वेशन में लिख रहा हूं तो बाकी सब में इसी तरह रहेगा, A माइनस 2X, X और X। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। जब पार्शियल प्रेशर नहीं मालूम होता तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यही स्टेप भी है क्वेश्चन बनाने का। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं तो यही स्टेप इसी तरह क्वेश्चन को भी करेंगे। तो a माइनस 2x प्लस x प्लस x आ गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाई टोटल मोल्स। तो देखो x बाई क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। a x by a हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोले ना। यस सर। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 क्या हो जाएगा, x by a। x by a। अच्छा एक मिनट और हो गए कि हाँ चलिए इसको एक स्टेप में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के भी, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ देखिए ध्यान दें। a माइनस अल्फा, a अल्फा बाय 2, a अल्फा क्या जल्दी बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे और सबके मुंह में आवाज नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस DOD अल्फा x by a, x is equal to a अल्फा, क्लियर है? टोटल मोल्स। अच्छा कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछा एनटी का मतलब क्या है, टोटल मोल्स है ये, क्या है ये? एट इक्विलिब्रियम a माइनस अल्फा
ए अल्फा बाय टू, ए अल्फा बाय टू, यहाँ पर a माइनस ए अल्फा होगा, तो बताओ a ही होगा कि नहीं, कैंसिल होके बचेगा तो a बचेगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ s2, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना अल्फा बाई टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ i2, देखो कैसे यही स्टेप भी है, टोटल मोल्स बाई उसके मोल्स को। सच सच बताओ समझ में आ रहा है कि हाँ मैं, हाँ सच सच बताओ, ये सब आ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना। बताओ ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया, पहले लिखो। देखो जब तुमको डिटेल, जब तुम्हें शॉर्टकट नहीं याद रहेगा ना, तो तुम्हें इतना स्टेप करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें डायरेक्ट स्टेप लिख दे, फॉर्मूला याद ना, तो फिर उससे नहीं होगा, अगर भूल गए तो हो ओम नमः शिवाय हो जाएगा। अरे बोले सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बताएं, यहाँ तक जल्दी बोले, एक बार और बता दीजिए सर, कहाँ से बताएं, कहाँ से बता रहे, ये तीन स्टेप तुम्हें, हाँ ये तीन स्टेप तुम्हें लिखने नहीं आया जी, ये तो आ गया, ये टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का रेशियो प्यारी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का वन निकालना है, तो उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना, मोल फ्रैक्शन ना, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना, यहाँ पे है ना, x2 का मोल्स कितना है, a अल्फा बाई टू, a अल्फा बाई टू, टोटल मोल्स कितना है a, इसे डिवाइड कर दिया, वही किया गया, थैंक यू। अरे अल्लाह, अरे ये तीन स्टेप में भी प्रॉब्लम है, नो सर, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना, HI का मोल्स कितना है, a माइनस a अल्फा, इक्विलिब्रियम पर, हम इक्विलिब्रियम वाला मोल्स लेंगे, जल्दी करें, हो गया, एक मिनट सर। मोहसिन नाम का स्टूडेंट लिखा कि नहीं जी सर, बस अब कुछ नहीं, आपसे को केपी सेकंड, देखो बहुत शानदार फॉर्मूला आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, ये दिमाग में नोट कर लो, चूंकि हम लोग सिर्फ रट के पढ़ लेते हैं, प्रेशर प्रेशर लिखते हैं, केपी के एक्सप्रेशन में ये पार्शियल प्रेशर है कि टोटल प्रेशर है, जल्दी बताओ, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि न्यूमेरिकल में भाई खुद सोचो क्यों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कि चाहे पार्शियल प्रेशर हो या टोटल प्रेशर हो, प्रेशर की यूनिट तो एटीएम या पास्कल ही तो होती है ना जी सर, और न्यूमेरिकल में कोई भी प्रेशर लिख दे वो बिहारी पार्शियल प्रेशर मान के रख देता है डाटा, गलत कंसेप्ट है, कल भी बताया था आज भी दोबारा बता रहा हूं, न्यूमेरिकल ना बनने की वजह आपको पॉइंट पर टारगेट करना, ये नहीं कि जो भी एटीएम में रहे वैसा डाल देना है, नहीं, हर प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल एस टू का कितना, आई टू का कितना, इससे पहले तीन न्यूमेरिकल किया गया, उस वो न्यूमेरिकल मेथड से क्यों नहीं हुआ, तो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला कि नहीं इसका, अरे बोलो यार, यस सर,
इसीलिए ये याद रख लें कि आपको कब क्या इस्तेमाल करना है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, और आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सुना सारे लोग? अब देखो कि बताओ पार्शियल टोटल प्रेशर तो सबका कंटेनर में सबका टोटल प्रेशर तो पी ही होगा, अब मोल फ्रैक्शन कितना आया इसका, अल्फा बाई टू। अरे कौन खटपट कर रहा है, बिहारी है क्या, बैठना सही से रे। अल्फा बाई टू, अब नीचे जो है पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन कहां गया, एच आई का वन माइनस अल्फा। अरे बदाना यही है ना, हाँ वन माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर। अब देखो P का होल स्क्वायर P S का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस जी सर। यस सर। ऊपर क्या बचेगा, देखो कितना शानदार फॉर्मूला आ गया। अगर ये याद हो गया तो तुम जितना स्टेप निकाले हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। और कुछ याद ना हो मेरी बात फिर से सुनो, तीन तो याद हो, मेरा मशवरा रहता है कि पांच याद हो, और यही पूरा मैं बताऊंगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 2HI इस तरह दिया रहेगा, देखो इसको ऐसे भी तो दे सकता है। एक मिनट सुनो, 2A देखो इक्वेशन को समझो, 2A प्लस B एकदम मिलता जुलता है कि नहीं, 2HI S2 प्लस I2 से, बताओ ना। yes, sir. 2 रेशियो 1 रेशियो 1 जब भी मोल इसमें रहेगा, सुन लो सबका फॉर्मूला यही होगा, ये सुन लो सारे लोग। तो जितने भी बुक बना वो इसी के बेसिस पर रहता है, इसी के बेस, इसको दिमाग में सेट कर लो। रिएक्टेंट में दो रेशियो, दो वन वन, टू वन वन वन, टू वन वन का मतलब बाद का दो प्रोडक्ट, ये इनिश, ये रिएक्टेंट। इस तरह का जब भी इक्वेशन होगा तो हमारा एक सारे में यही आंसर आएगा, ये सुन लो, कान खोल के सुन लो मेरे भाई। और डायरेक्ट या अभी तो तुम्हें इम्पोर्टेंस का पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो तुम्हें और डायरेक्ट तुम्हें क्लियर होगा। तो जल्दी बताओ, हाँ एक मिनट, कहाँ गया पिछला स्लाइड। हाँ अच्छा, इसमें अल्फा बाई टू, अल्फा बाई साइज, चलिए लिखें सारे लोग। कुछ तो बोल दीजिए। यस सर। लिख लिया सर। कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन भी लिख देता हूं कि आपको 2HI है, H2 plus I2 है, मतलब इसके बेसिस पर जब भी कोई इस तरह का भी इक्वेशन हो, 2 रेशियो 1 रेशियो 1, तो आप KP का फॉर्मूला याद रखें, अल्फा स्क्वायर और वन माइनस अल्फा। इसमें जानते इस क्वेश्चन को ऐसे एक लाइन लिखना मत, दे देता कि भाई टू मोल्स ऑफ एच आई, देखो अच्छे से टू मोल्स लिखना मत, टू मोल्स ऑफ एच आई इज टेकन इन 10 लीटर ऑफ क्लोज कंटेनर एट कंटेनर एट 10 ATM एट इक्विलिब्रियम, समझा, 60% ऑफ एच आई इज डिसोसिएटेड, फाइंड द केपी। अब डायरेक्ट ये करें, 10 एटीएम का कोई यहाँ पर प्रेशर का फॉर्म, कोई भाई फॉर्म है यहाँ पर, बोलो कोई प्रेशर है इसमें, जल्दी बताओ। नो सर। हाँ तो कुछ भी, तो अब डायरेक्ट इतना, अब डायरेक्ट ये करके हम डाटा रख देंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये डायरेक्टली याद हो और सोच समझ के याद हो कि एच आई के इस, ये इक्वेशन को देखो, इसके बेसिस पर कोई भी इस तरह का रिएक्शन होगा तो सबका एक्सप्रेशन यही होगा। Did you understand everyone? सारे लोग मिलके बोलें, आया या नहीं आया? Yes, sir.
क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। अच्छा, जब ये याद रहेगा ना, अच्छा आप देखो, हो सकता है आपको क्या कह दे, मैं इसका अल्टरनेटिव एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि आप जामिया नगर ये बच्चे जो हैं, उनका कंसेप्ट जो होता है ना वो थोड़ा गोल होता है। अगर क्वेश्चन दे दे एच आई है, ये भी तो डिसोसिएट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। यस सर, जी सर। इसको इसका हम के पी डैश मान लें। मैंने क्या कहा था, इस यहाँ से यहाँ तक आने में बताओ किससे मल्टीप्लाइड किया गया, आपसे? अरे बोलो, आपसे। हाँ, तो के पी डैश हो जाएगा इसको, जब तुम जो भी के पी होता है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस यस सर, वन पावर हाफ। तो केपी के पावर हाफ जो करोगे तो क्या हो जाएगा, केपी डैश इज अ कंटिन्यू, बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 1 माइनस अल्फा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। अरे यार कुछ तो बोल दो। यस सर। हाय, तो ये याद रहेगा तो ये जल्दी कर दोगे कि नहीं, बोलो, वरना फिर इसमें भी yes, ना याद रहेगा तो भाई फिर भाई स्टेप करो। a 0 0 a minus x x by 2 x by 2 a minus a alpha by 2 a alpha by 2 फिर अपना करते रहो। Did you understand everyone? Yes, yes, yes. तो आपको मेनली ये फॉर्म याद रखना है, समझा? 2hi ये फॉर्म याद रखिए, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वही याद रखिए। इस तरह दिया रहे, ये याद रहेगा, वो रहेगा। चलिए लिखिए सारे लोग, लिख लिया सारे लोग तो बताएं।